माँ बनना किसी महिला के लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। ये समय सबसे अच्छा होता है, लेकिन इस समय कई मुश्किलें भी आती हैं। प्रेगनेंसी का असर महिलाओं की फिजिकल हेल्थ पर पड़ता ही है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। जब प्रेगनेंसी का असर महिलाओं के दिमाग पर पड़ता है तो उसे प्रेगनेंसी ब्रेन या मम्मी ब्रेन भी कहते हैं। दरअसल गर्भावस्था में प्रेगनेंसी ब्रेन होने पर महिलाओं की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। वो किसी भी चीज को जल्दी जल्दी भूल जाती हैं। कई महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद भी इस समस्या से जूझती हैं। वहीं एक स्टडी के मुताबिक प्रेगनेंसी में 80% से ज्यादा महिलाएं प्रेगनेंसी ब्रेन की प्रॉब्लम महसूस करती हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं प्रेगनेंसी ब्रेन की समस्या कब होती है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मम्मी ब्रेन या प्रेगनेंसी ब्रेन की समस्या कब होती है? मम्मी ब्रेन की शुरुआत गर्भावस्था के पहले 3 से 4 महीने पहले ही हो जाती है। प्रेगनेंसी में शरीर में कई हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो मस्तिष्क में भी बदलाव होने लगते हैं। इस दौरान शरीर में भी कई चेंजेस आते हैं। नींद न आना, चिड़चिड़ापन और चीजों को भूल जाना आम समस्या बन जाती है। चलिए बताते हैं कि इसके लक्षण क्या है। एकाग्रता की कमी, छोटी छोटी चीजें भी भूल जाना, नींद पूरा ना होना, काम में मन ना लगना, ज्यादा तनाव और चिंता होना, हर समय थकान लगना। अब चलिए जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रेगनेंसी ब्रेन से बचने के लिए खूब आराम करें, पर्याप्त नींद लें, हर दिन का टाइम टेबल बनाएं, गाने सुने, खाना बनाएं और पेंटिंग करें, जो पसंद हो वो एक्टिविटी करें, हेल्दी डाइट लें, योग मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, तनाव होने पर अपनों से बात करें। वैसे आपको बता दें कि मम्मी ब्रेन या प्रेगनेंसी ब्रेन एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर महिला इस कंडीशन से गुजरे, कई महिलाओं में ये काफी सामान्य होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।